और आज शाम कॉलेज में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये जो इसका कूल एटीट्यूड है ना, ये ज्यादा देर टिकेगा नहीं। सारे कॉलेज को पता चलेगा कि ये कितना बड़ा कमीना है। उस दिन पार्टी में जिस वेट्रेस की वजह से लड़ाई हुई थी, वो वेट्रेस कोई और नहीं, आरती की मेट सुधा की बेटी। हर बार रायचंद का नाम लेकर तुम नहीं बच सकते। वन मोर मिस्टेक और मैं तुम्हें एक मिनट में इस कॉलेज से बाहर कर दूंगा। तुम्हें इतना बड़ा राज छुपाना पड़ रहा है, वो भी अपने बेटे से, कि 5 दिनों के अंदर उसकी इंगेजमेंट होने वाली है। माँ, कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे? गुड, अपनी बर्बादी के बारे में तुम्हें जितनी देर से पता चले उतना ही अच्छा। अब कुछ नहीं शिवन बेटा, वो अब वो कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तो हम तुम्हारी सरप्राइज पार्टी रखने की सोच रहे थे। खैर, अब तो वो सरप्राइज भी नहीं रहा। एनीवेज, व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे? नो थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कम ऑन, अपनी मॉम के साथ इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मॉम तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती है। एंड गेस, डोंट फॉरगेट टू टेल मी व्हाट यू वांट फॉर योर बर्थडे। जी। ओके। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हैं? कैसे बताऊं तुझे शिविर, कि आज मैं उस दोराहे पर खड़ी हूं जिसके आगे कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं अपने बेटे की खुशी चाहूंगी तो अपना पति खो दूंगी, और अगर पति की खुशी चाहूंगी तो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ माँ। हाँ शिविर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, चिंता मत कर मेरी। हाँ ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, आराम कीजिए, मैं मिलता हूँ। तेरी आंखों में अपने लिए प्यार देखने के लिए मैं कब से तड़प रही थी। आज इतने दिनों के बाद तूने अपनी माँ से एक बेटी की तरह बात की है। काश मैं भी तुझे एक माँ की तरह बचा सकती। परफेक्ट, हम इसी रूम में शिवन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। गोना बी सो मच फन। लेकिन डिन से पूछे बगैर अगर आप लोगों ने कहीं कुछ किया तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। Who cares? Shivan का birthday है, and I will make it perfect. And don't forget, Shivan के dad इस कॉलेज के trustee है, और उनके सामने dean कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको अपनी job प्यारी है तो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। गाइस जल्दी जल्दी कैंडल जलाओ, शिवन आता ही होगा। तू मेरी लाइफ के साथ खेलकर अपनी लाइफ में खुशियां नहीं मना सकता। बहुत एक्साइटेड है ना तू अपने बर्थडे पार्टी को लेकर? देख तेरे में एक्साइटमेंट कैसे निकालता हूं। अच्छा चलो जल्दी चलो, शिविन आता ही होगा।
यस यस हाँ हाँ यू डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारा पार्सल आज शाम 7 बजे तक मिल जाएगा। मैंने कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाकर ये सब किया है, सो प्लीज डोंट लेट मी डाउन, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ओके ओके परफ्यूम किया ने अपनी आंसर शीट पे परफ्यूम डाला है, क्या हो गया आजकल के स्टूडेंट्स को? इंपीरियल कॉलेज के स्टूडेंट्स का तो इंडिया में नाम है, मगर इस बार क्या हुआ? आज इस बैच में सारे डफर से इकट्ठे हो गए, कोई ट्रस्टी का बेटा है तो कोई भाई, और ये शिवीन रायचंद, इससे तो मैं काफी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही कमजोर निकला। मैंने अपनी लाइफ में इससे ज्यादा पुअर, बदतमीज और घमंडी स्टूडेंट नहीं देखा। इन पत्थरों में से मुझे इस हीरे को तराश कर इंपीरियल कॉलेज का नाम खराब होने से बचाना है। ये शिविन किया का फुल ऑन रोमांस चालू है, दे थिंक इट्स देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। Happy birthday, Shiva. तुझे केक खराब करना है तो कर, वैसे भी मुझे केक पसंद नहीं, लेकिन जो करना है इस क्लासरूम के बाहर जाके कर, एटलीस्ट रिस्पेक्ट द क्लासरूम। लुक हु इज टॉकिंग, तू रिस्पेक्ट की बात कर रहा है जो अपने फ्रेंड के मॉम की रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, और तू होता कौन है मुझे लेक्चर देने वाला? दीन या मेरा अंकल? एनीवे आई डोंट केयर इफ यू लाइक द केक और यू डोंट। माय जॉब इज डन। शिविन तुम यहाँ हो या तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रही है? इट्स ओके बाप। ओह माय गॉड, किया ने कितनी मेहनत से इसे डेकोरेट किया था, उसे इस रूम को देखकर बहुत बुरा लगेगा। इट्स ओके एक काम करो आप, जस्ट पिक इट अप ना। परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही था। सो व्हाट्स हैपनिंग? शिविन तुम यहाँ? शिट, पूरा सरप्राइज खराब हो गया। क्या किया? रिलैक्स, इट्स माय बर्थडे, इट्स ओके। आई एम सॉरी तुम्हारा सरप्राइज खराब हो गया, पर कैन वी कट द केक प्लीज? इट्स ओके, तुम्हारा बर्थडे है, कुछ खराब नहीं हो सकता। लेट्स कट द केक। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
आई डोंट केयर, तुम पता करो कि वो लड़की कहाँ गई। क्या नाम बताया था उसका तुमने? गौरी शुक्ला सर। गौरी शुक्ला, व्हाटएवर। उसके बारे में पता करो कि वो इस शहर में है या नहीं। और मैं आइंदा से शिविन को उसके आसपास नहीं देखना चाहता। और मैं ये भी नहीं चाहता कि शिविन की एंगेजमेंट के टाइम पर वो कोई प्रॉब्लम खड़ा कर दे। और उसके लिए मैं उसे मुंह मांगी रकम भी देने को तैयार हूँ, और जरूरत पड़ने पर धमकी भी। सर मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कुछ भी करने के लायक है। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि जो जगह के उसे भूल ही जाते हैं। अपनी सोच को अपने पास रखो। तुमको ऑर्डर्स फॉलो करने के पैसे मिलते हैं, मशवरा देने के लिए नहीं। okay? जी सर। एनीवे मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आई हैव टू गो टू मीट द डीन ऑफ शिविन्स कॉलेज। ओके सर। भाई भाई शिविन को देख, इसकी हालत तो ऐसे हो गई है जैसे कोई बिना ढक्कन वाली कोल्ड ड्रिंक। आई मीन ये वही शिविन रायचंद है ना जिसने पार्टी में तुझे मुंह तोड़ जवाब दिया था। कूल डूड बन चुका है यार ये तो। कोई कूल डूड नहीं है, मुझे पहले से मालूम था। एक नंबर का डरपोक है साला। शिविन डरपोक नहीं है, इतना तो मैं उससे अच्छे से जानता हूँ। वो अपने ख्यालों में उलझा हुआ है, इसलिए मेरी हरकतों पर ध्यान नहीं दे रहा। कोई तो चीज है जो उसे परेशान कर रही है, और वो चीज इस वक्त उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं उसे ऐसी जगह हिट करूंगा जहां उसे सबसे ज्यादा हर्ट होगा। मैं उसकी कमजोरी का पता लगा कर रहूंगा। मिस्टर रायचंद, आप इस बैच को स्टडी टूर के लिए फॉरेन भेजना चाहते हैं? इन दिस केस आई वुड लाइक टू टेल यू द ट्रुथ, मैं इस बैच के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। कॉलेज के पहले दिन मैंने टेस्ट लिया था ये जानने के लिए कि इनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, बट द परफॉर्मेंस वाज वेरी पुअर। अरे डीन साहब, ये तो उनका पहला दिन था, आप इनके फर्स्ट टेस्ट को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। एंड बाय द वे, उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट का क्या हुआ जिसको मैंने स्पॉन्सर किया था? वो इस सेमेस्टर में रेगुलर क्लास नहीं कर पाएगी। हम स्टडी मटेरियल भिजवा रहे हैं उसे। व्हाट? लेकिन क्यों? हमारे यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं कभी। दिस इज एन एक्सक्लूसिव कॉलेज। हमारे कॉलेज में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज नहीं होते, और आपने एक स्टूडेंट के लिए रूल्स को कैसे बदल दिया? मिस्टर राजन, हीरे को पत्थर समझ कर फेंकना बेवकूफी होती है। वो कोई आम स्टूडेंट नहीं है, शी इज अ टॉपर, एंड आई नो वो इस कॉलेज की स्टार स्टूडेंट होगी। और मुझे तो वैसे भी इस बैच के स्टूडेंट से ज्यादा उम्मीद नहीं, कम से कम कोई तो होगा जो इंपीरियल कॉलेज का नाम मेंटेन रखे। व्हाई डोंट यू सी हर एप्लीकेशन? इट इज विद मी। एक्सक्यूज मी सर। ओके, आई हैव टू गो, तो मैं आपसे बाद में मिलूंगा। थैंक यू सो मच। ये शिविन डीन के कैबिन के बाहर क्यों खड़ा और क्या सुनने की कोशिश कर? वैसे सर ये लड़की कौन है जिसे आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं? गौरी शुक्ला। गौरी का एडमिशन इस कॉलेज में हुआ? गौरी, तुम जब गौरी के लेटर को पढ़ोगे तभी मेरे डिसीजन को समझ पाओगे। ऐसा क्या लिखा है गौरी ने लेटर में? वो किसी प्रॉब्लम में ना हो, मैं तुम्हें कहां ढूंढूं गौरी? गौरी तो उस कॉलेज में आएगी ही नहीं। गौरी की मां कॉलेज कैंपस में स्टडी मटेरियल लेने आएगी। मैंने सारा स्टडी मटेरियल पियोन के हाथों भिजवा दिया है। गौरी, तो मेरा शक सही था। वो गौरी है जिसे लेकर शिविन इतना परेशान था। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए।
तभी तो मेरे इतना उकसाने पर भी ये इतना रिएक्ट नहीं। शिवन, मुझे तुझसे कोई जरूरी बात करनी। बोल। यहाँ नहीं, म्यूजिक रूम में चल। बोल। इतनी आसानी से मैं तुझे गौरी की माँ से मिलने नहीं दूंगा शिवन। आहन, 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 ओपन द डोर। मैडम, आप गौरी शुक्ला की मम्मी है ना? जी। ये दिन आपके लिए पार्टी। शुक्रिया। आंटी, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मैं गौरी के कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ और मैं जानता हूँ कि गौरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो। मिस्टर इंद्रजीत रायचंद उसके खिलाफ प्लानिंग करें और मैं यही बताने आया था। मैं कुछ समझी नहीं। जी, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस वाली पढ़ाई है, सब फ्रॉड है। बेसिकली इंद्रजीत रायचंद गौरी का पता लगाना चाहते हैं और ये सब नाटक है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? उनका बेटा शिवेन रायचंद इसी कॉलेज में पढ़ा और मैंने खुद उसे ये सब कहते हुए सुना। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद देख लीजिए, थोड़ी देर में शिवेन गौरी को ढूंढता हुआ यहाँ आएगा, देखने के लिए कि गौरी खुद यहाँ पार्सल लेने आती है या नहीं। Excuse me. Call दीजिए। Thank you. आंटी, तू पागल है क्या? किया तूने? तू जानता है ना कि मैं गौरी की मॉम से बात करना चाहता था, फिर क्यों क्यों नहीं रोका तूने उन्हें? क्या कहा तूने उनको? मैंने कहा था ना तुझसे, मैं तुझे ऐसी जगह मारूंगा जहां तुझे सबसे ज्यादा दर्द हो। मुझे तेरी कमजोरी पता चल गई, अब गौरी इस कॉलेज में कभी वापस नहीं आएगी। जैसे मैं अपनी मां को नहीं देख पाया ना, तू भी गौरी को नहीं मिल पाया। यू आउट ऑफ योर ब्रेन्स। एक लड़की पढ़ना चाहती है और तू हमारी दुश्मनी की वजह से एक किसी की जिंदगी खराब कर रहा है। मैं नहीं करना चाहता, लेकिन तूने मुझे मजबूर किया। सुना तो होगा तुमने, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। और उसकी जिंदगी मैंने नहीं, तूने खराब की है। तुझे इतनी चिंता क्यों? रिश्ता क्या है तेरा? प्यार करता तू उससे? मेरे और गौरी के बीच क्या है कि तेरे ऐसा घटिया इंसान कभी समझ ही नहीं सकता? घटिया मैं? कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ? शादी तेरी किया से होने वाली है, गौरी के पीछे तू भाग रहा है और घटिया मैं? यू नो आहन बटेरा, तेरे बारे में मेरे डैड की राय ना बिल्कुल सही थी। यू आर अ सिक मैन। पहले जब तेरी मॉम तुझे छोड़ के चली गई थी ना, तो मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन आज मैं खुश हूं। मैं खुश हूं कि वो तुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि जो इंसान एक फजूल की दुश्मनी के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, उसका रहना भी कौन पसंद करेगा? चल चली बस। बहुत सुन लिया मैंने। अरे, ये वही आहान वडेरा है ना जिसकी माँ भाग गई थी? हाँ हाँ, मैंने भी न्यूज़ में देखा था। जगमोहन वडेरा की पत्नी अवंतिका वडेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, जिसका सबूत है अवंतिका द्वारा लिखा गया एक खत जो उन्होंने अपने बेटे आहान के फ्रेंड शिरेन के नाम लिखा है।
You just crossed the line today. And you're gonna pay for this. हम तुझे हमारी दुश्मनी के लिए गौरी को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। तू नहीं जानता मैं गौरी को कब से ढूंढ रहा हूं। आज तेरी वजह से मैंने गौरी को हमेशा के लिए खो दिया।